थाना क्षेत्र के हिंदी भवन से कुछ ही दूरी पर झरिया रोड में फायरिंग की घटना घटी है। विक्की राय नामक युवक को पैर में गोली लगी है। आनन फानन में उसे PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। विक्की दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था। लॉकडाउन में वो अपने घर आया हुआ था। केंदुवाड़ी के वासदेवपुर के रहने वाले विनोद कुमार राय का बेटा विक्की राय अपने दोस्त सचिन के साथ बाइक से घर से निकला था। सचिन के दोस्त कृष्णा के जन्मदिन पर सेलिब्रेट करना था। विक्की और सचिन बर्थडे सेलिब्रेट का सामान लेने निकले थे। इस दौरान केंदुवाड़ी के हिंदी भवन से कुछ दूरी पर झरिया रोड में बाइक पर सवार अन्य युवकों के द्वारा विक्की पर फायरिंग कर दी गई। इस घटना में विक्की के पैर में गोली लग गई। विक्की को जख्मी अवस्था में PMCH लाया जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फायरिंग की घटना किन कारणों से घटी है, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस PMCH में विक्की से बयान ले चुकी है, लेकिन विक्की ने गोली चलने की बात छोड़कर और किसी विवाद होने की बात नहीं बताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बोलो।